हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है एबीएस ब्रेक के ऊपर है। हो आप भाई थंबनेल तो देख चुके होंगे। तो रॉयल एनफील्ड ने नया मॉडल लॉन्च किया है सिग्नल के नाम से। तो लॉन्च किया, उसके अंदर एबीएस है, डुअल एबीएस है आगे पीछे दोनों तरफ। तो आइए इस वीडियो के दिखाते हैं, वीडियो में कौन सा मॉडल निकाला है, कौन कौन से कलर निकाले हैं और क्या क्या एक्सट्रीम प्राइस क्या है सब कुछ, और बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ चेंजेस करी है और एबीएस बेसिकली काम कैसे करता है, इसमें छोटे शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा मैं आपको। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शोरूम जा रहा हूं वजीरपुर में अपना, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल जो है जिस पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसी शोरूम पे जा रहा हूं मैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए इस गाड़ी को। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स में, जहाँ पे पहले भी मैं आ चुका हूँ। पहले भी मैंने अपनी जो स्टैंडर्ड ली थी यहीं से ली थी, और एक दो बाइक जो है वो यहीं ली हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ यूनाइटेड पे। बेसिकली आपको पता ही है कि एबीएस के बारे में वीडियो है, तो एबीएस के लिए मैं आया हूँ। चलिए चलते हैं और करते हैं, इसकी डिटेल लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये है हमारा एबीएस मॉडल, इसकी मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको। सबसे पहले दिखाता हूँ इसका एबीएस वगैरह। यहाँ पे हमारा एबीएस की इसमें प्लेट आ गई है, और देख सकते हैं यहाँ पे एबीएल डुअल चैनल एबीएस है इसमें, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये शॉकर लेग भी इसकी बड़ी आ गई है ताकि हमारा एबीएस का सेंसर लग सके, और ये एबीएस की प्लेट इसमें लगी हुई है। तो अभी कुल मिला के ये अलॉय व्हील लगने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अलॉय व्हील अभी थोड़ा सा मार्केट में भी इसके आएंगे, टाइम लगेगा। तो एबीएस हमारा यहाँ फ्रंट में भी है, और हमारे रियर में भी है। होप अब वहीं को दिख रहा होगा, रियर में प्लेट आ गई, और इसका सेंसर हमारे यहाँ लगा हुआ है। इसमें बैग लगने की वजह से मैं दिखा थोड़ी दिक्कत आ रही देखने में, यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है, ये ज़्यादा इसके बाद। तो बेसिकली एबीएस कैसे काम करता है ये सब मैं आपको बताता हूँ, और इसके दो तीन मॉडल निकाले हैं अभी इन्होंने, कौन कौन से आने वाले हैं और किस किस में एबीएस आएंगे और किस किस में नहीं आएंगे सब इनके क्रू के मेंबर, तो वो बताएंगे। बेसिकली जैसे अभी हमारा ब्रेक का पाइप होता है, जब हमने ब्रेक दबाए, जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो सीधा ये एक पाइप प्रेशर आके सीधा इसका प्रेशर नीचे कैलिपर में जाता है। बट एबीएस में ऐसा नहीं होता। एबीएस में क्या होता है, ये देखिए वहाँ से पाइप आके ये वाला आ रहा है, पाइप ये गया हमारा टंकी नीचे, और ये वाला पाइप है आप देख सकते हैं कनेक्ट नहीं है, तो ये अलग अलग पाइप जा रहे हैं। ये हमारा ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से कैलिपर से, तो ये आ गए घूम के हमारे नीचे यहाँ एबीएस के कंट्रोलर में। यहाँ एबीएस की मशीन है हमारी, मैकेनिज्म इसका मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इतना सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके सेंस करता है कब ब्रेक रिलीज़ करने, कब ब्रेक एक्टिव करने। आप ब्रेक तो प्रेस करेंगे बट वो कब रिलीज़ और एक्टिव करने वो सब ये सेंस करता है। और सेम ऐसे ही हमारा पीछे वाले कैलिपर में होता है कि डायरेक्ट नहीं होता, तो जैसा यहाँ से ये नीचे वाला इसका कैलिपर है, पंप है, तो ये सीधा जाएगा हमारा मशीन में और नीचे का, ये सब आराम से बताऊंगा। अभी हमारा बस ये वीडियो इसलिए कि एबीएस बुलेट के अंदर आ चुका है। और एक सबसे मेन चीज़ कि इसके अंदर इन्होंने फ्यूल मीटर भी दे दिया है, जो कि हमारा बहुत बुलेट का इशू था। बट ये फ्यूल मीटर नहीं है, फ्यूल इंडिकेटर है। फ्यूल मीटर बेसिकली होता है जो शो करेगा कि कितना पेट्रोल है, ये बस मेन और रिज़र्व का ही बता पाएगा, जब लाइट जल जाएगी तो रिज़र्व बताएगा। तो इसमें वही 500 की तरह जैसे हमारी 500 सीसी में हुआ होता था, तो यहाँ पे स्विच दे रखा है जो पेट्रोल सेंस करेगा कि जब रिजल्ट लग जाएगा तो वो लाइट जल जाएगी। कौन सा मॉडल है इसके, बेसिकली दो कलर हैं, एक ही हमारे पास ये कलर है 350 में, ये वाला है, और 500 में। किस किस में आया चाहिए उनसे बात करते हैं, इस मॉडल का नाम क्या है, ये सब इनके क्या है सब डिटेल बताएंगे। और दोस्तों, इसके अंदर एसेसरी में एक चीज़ बता दूँ कि वाइजर वगैरह सब कुछ कंपनी से आ रहा है, कि अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और ये वाइज़र सेडल बैग वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ दिव्यांश भाई हैं, तो आइए इसके बारे में बताते हैं। तो दिव्यांश भाई, इसके बताइए क्या क्या है इसके अंदर, इस मॉडल का नाम क्या है। कंपनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एबीएस हमें प्रोवाइड किया है। एबीएस बेसिकली एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो कि बहुत जरूरी था आज के टाइम, बहुत जरूरी था आज के टाइम में। अब आने वाले टाइम में वैसे भी सारे सब व्हीकल 125 से वो जितने भी हैं वो कंपल्सरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड का बेसिकली मोटिव ये था कि उन्होंने दो गाड़ियों में एबीएस पहले ही निकाल दिया, इससे वो कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर लेगी। ओके, ठीक है सर। उसके बाद सबसे बड़ा एबीएस का बेनिफिट ये है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में गाड़ी आपकी स्लिप नहीं करेगी, मतलब टर्न पे अगर ब्रेक मारा है सडनली कोई आ जाए तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, अपने टाइम पर रुक जाएगी, मतलब एकदम बैलेंस होकर चलेगी। और इसमें क्या क्या चेंजेस करें, जैसे वाइजर दे रहे हैं नया, सबसे पहले कंपनी ने इसमें एक वाइजर दे दिया,
ठीक है। अगर इसके पे करेंगे वाइजर बैग वगैरह ये अलग से पे करने हैं क्या करना है? इसकी एक्सेसरीज हैं, एक्सेसरी अलग है ठीक है। अगर जिसको नहीं पसंद तो नहीं लेनी वो? नहीं। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ सबसे पहले 350 में कभी भी फ्यूल इंडिकेशन नहीं आता था, फ्यूल इसमें फ्यूल इंडिकेटर ABS का भी इसमें ऑप्शन दिया ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ जो हमारा पेगासस मॉडल था 500cc में, तो उसमें जो पैचेस लगे हुए थे तो कंपनी ने क्या किया, इसमें भी पैचेस लगा के दिए लाइक दैट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये BSF को हमारा डिनोट कर रहा है, ये हमारा BSF को डिनोट करता है, ये हमारा रॉयल एनफील्ड का पैच है और ये जो लिखा हुआ है RE001419, दिस इज अ बाइक प्रोडक्शन नंबर। तो अच्छा, बाइक कौन से प्रोडक्शन की, किस नंबर की बाइक है ये, वो है जी। Okay, इंजन सबसे पहली चीज़ सबसे अच्छा इसमें ये है कि हमारा जो इंजन है वो ब्लैक okay. पूरा मैट ब्लैक है ठीक है। व्हील्स हमारे ब्लैक दिए हुए हैं, खाली रिम्स स्पोक्स हमारी क्रोम के आ गई ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइलेंसर भी हमारा ब्लैक है पूरा, इंजन भी ब्लैक है, व्हील्स भी हमारे ब्लैक हैं पूरे। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। पेगासस को बेसिकली ओवरकम करने के लिए कंपनी ने और भी लोगों का मतलब देखते हुए 350 में ये चीज़ निकाल दी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितने भी क्लासिक मॉडल में डुअल डिस्क आ गए हैं, जैसे देख सकते हैं बाहर डुअल डिस्क है, बट हमारे एक सुनने में आया कि ऐसा कलर इसके अंदर डुअल डिस्क आज भी नहीं आया, क्लासिक ब्लैक में डुअल डिस्क नहीं है अभी नहीं है, लेकिन आने हुए 3-4 महीने में कंपनी उसको भी डबल डिस्क कर देगी क्योंकि डबल डिस्क का फायदा है तो कंपनी के ऊपर। हाँ, और इस कलर का ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जैसे बताया आपको कि हमारा जो दो सिग्नल्स लॉन्च हुए हैं गाड़ी के नाम से, तो वो था स्टॉर्म राइडर सैंड कलर, दिस इज़ वन एयरबॉर्न ब्लू कलर, ये हमारा एयरफोर्स को डिनोट करता है, IAF बेसिकली। आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स हमारा पैच, और दिस इज़ द अगेन प्रोडक्शन नंबर ऑफ द बाइक सेम है। इसमें भी ABS दिया हुआ है कंपनी ने, वाइजर है, इसकी एक्सेसरीज हैं साथ में जी, और इसमें भी ABS सिस्टम है। फ्यूल इंडिकेशन दिया कंपनी ने, दो मॉडल्स निकाले हैं बस कलर में, एयरबॉर्न ब्लू एंड स्टॉर्म राइडर सैंड, बोथ आर ABS। फिटर्स वगैरह भी सब ब्लैक दिए हुए हैं इसके, ये देखिए और रिम्स भी ब्लैक, मतलब रिम्स भी ब्लैक है, हाँ क्रोम खत्म कर दिया है बस, और एक टैंक का कैप टैंक, हाँ ये छोटी मोटी चीज़ हाँ, जो हाईलाइट हो रही है वो अच्छी लग रही है जी। अच्छा, इसमें जैसे ये बैग है तो इसमें सिंगल सीट है, दोनों ऑप्शन है ना इसके अंदर? हाँ, क्या एक्चुअली दोनों जो ये सीट है बेसिकली गन मेटल वाली सीट है, आराम से दो सीट लगती हैं, बस अभी डिस्प्ले में लगाने के लिए हमने बोला तो ये चीज़ एक्सेसरी की फुल लोडेड है। हाँ, तो अभी आपके सामने जो ये दोस्तों है ये फुली लोडेड गाड़ी है कि अगर आपको फुल एक्सेसरी कर लेंगे तो ऐसी मिलेगी गाड़ी है। तो भाई इसके एक्सशोरूम प्राइस अभी क्या है दिल्ली में? मतलब ऑलमोस्ट 162,253 रुपये की, और उसके अंदर ये एसेसरी नहीं है तो ये मतलब खाली बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है। ओके, तो दोस्तों ये एक्सशोरूम प्राइस जो है, बाकी तो हर जगह का अलग अलग होता है टैक्स का, जो है एक्सशोरूम प्राइस जो है 162,253 रुपये है प्लेन गाड़ी का, जिसके अंदर एसेसरी नहीं है, सैडल बैग नहीं है, शीशे नहीं है, बस यही दो चीज़ एसेसरी में, और लेग गार्ड भी नहीं होगा शायद, ये लेग गार्ड भी नहीं है उसके अंदर। तो सिंपल गाड़ी का जो प्राइस है 162,253 रुपये। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आप भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया। और मेरे साथ दिव्यांश भाई, यूनाइटेड में काम करते हैं ये, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ़।